24 टीवी नेटवर्क राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भिवाड़ी की स्थिति को देखने के लिए। जैसा आपको पता है कि हम भिवाड़ी के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हाँ, हमें भिवाड़ी को एक ऐसा ज़िला बनाना है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफाई हो, अमन शांति हो। और इस वजह से आज हम भिवाड़ी के क्षेत्र में आए हुए हैं, जिसको कहते हैं अलवर बाईपास। और आप देख सकते हैं, यहीं पे मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए कि ये देखिए नेक्सा का शोरूम है और यहाँ पे रेमंड की शॉप है, और उसके साथ साथ ये सामने ट्रैफिक का हाल आप देख सकते हैं, जो कि हमारी ये रेड लाइट लगी हुई है। कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ आएँ, कम से कम हम उन्हें दिखा सकें भिवाड़ी को भी कि हाँ, किस परिस्थिति से हम लोग गुजरते हैं हर दिन। और यहाँ पे जो ट्रैफिक का हाल है उसको भी हम बयां करेंगे, दिखाएंगे, और यहाँ पे करेंगे लोगों से बातचीत भी कि किस तरीके से हर दिन यहाँ पे लोग इस ट्रैफिक की समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं, या जो भी परिस्थिति रहती है वो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, और करेंगे लोगों से बातचीत भी। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल के पास में मैं पहुंच चुका हूं। ये ट्रैफिक सिग्नल है पीछे, और ट्रैफिक सिग्नल के पास में आप देखें तो ट्रैफिक कितना स्मूथ यहां पे दिखाई पड़ रहा है, जो कि पहले नहीं दिखता था। पहले यहां पर सिर्फ और सिर्फ भीड़भाड़ दिखती थी, यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति दिखती थी, लेकिन आज की अगर समय पर देखें तो यहां पर देखिए आप कितनी अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, और ट्रैफिक सिग्नल लगने से लोगों को कितनी आसानी हो चुकी है। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर करूँगा मैं लोगों से बातचीत भी, और बताऊँगा कि ट्रैफिक का हर पल हाल यहाँ क्या है, और यहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं या इनकी सबकी स्थिति भी बयां करेंगे। और आपको बताऊंगा यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनसे भी मतलब बात करूंगा, जो विभाग के स्तर पे लोग खड़े हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। और आइए यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे टेम्पो वाले भैया हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो टेम्पो वाले भैया तो चले गए, खैर कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। यहाँ पे एक और ऑटो चालक हैं हमारे पास मौजूद। सर, 24 टीवी नेटवर्क पे आपका स्वागत है। आप बताएं कि आप जैसे कि यहाँ ऑटो चलाते हैं, सर आपका शुभ नाम बताएं। तिलक। तिलक जी, तिलक जी आप बताएंगे कि जैसे ऑटो आप पहले चलाते थे, यहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ और बड़ा माहौल ऐसा रहता था कि हमेशा जाम की स्थिति रहती थी। आज पहले तो रहते थे, बत्ती के कारण हो या सब कुछ हुआ, वही जानना चाह रहा हूँ कि इस बत्ती के बाद में आप क्या महसूस करते हैं। अब तो सही है, बत्ती लगी है तो जाम का तो वो है, थोड़ा बहुत जाम का तो बहुत फर्क पड़ा है ट्रैफिक के लिए, तो जाम के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। और आज की डेट में ट्रैफिक आपको लगता है कि पहले से बहुत स्मूथ हो गया? हाँ सही है, अब तो जिस आए तो ये क्या शुभ नाम बताया आपने? तिलक। ये तिलक जी थे हमारे साथ जो बता रहे थे कि ट्रैफिक के बारे में कि यहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ा है जब से बत्ती लगी हुई है। और यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, और यहाँ पे एक और हमारे साथ भैया हैं। सर आपका नाम? गगन सिंह। गगन सिंह, ये गगन सिंह जी हैं। गगन सिंह जी, आप कितने समय से ऑटो रिक्शा चलाते हैं? मेरे को 9 साल हो गए। 9 साल हो गए सर, 9 साल में इस भिवाड़ी क्षेत्र में क्या इतनी अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था आपको पहले लगी है? नहीं सर, पहली बार अच्छा लगा। और यहाँ पे जो जाम की स्थिति पहले रहती थी, क्या आज ऐसा लगता है आपको कि ऐसा जाम लगता है, या ऐसी परेशानियाँ लोगों को सामना करना पड़ता है, या आप लोग कितना अपने आप को आराम में महसूस करते हो? नहीं, रेड बत्ती लगने से बाकी को काफ़ी आराम है, रेड बत्ती लगने से काफ़ी आराम है, ना कोई जाम ना कुछ, कोई जाम वगैरह कुछ ऐसी कोई समस्या नहीं है। पब्लिक सही है, पब्लिक के लिए सही है, ऑटो वाले के लिए सही है, बहुत अच्छी सुविधा है। और मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे जो भैया हमसे बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जाम लगने की स्थिति अब काफ़ी हद तक काबू में आ चुकी है, कोई भी परेशानी लोगों को नहीं होती है। और जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने के लिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान हमेशा आपके साथ तत्पर है। और मैं बताऊं कि अपने कैमरामैन को फिर कहूँगा एक बार ट्रैफिक की स्थिति दिखाएं, वो पीछे जैसे सिग्नल के आसपार की जो स्थिति है कि कैसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है।
और बिल्कुल ट्रैफिक काफ़ी हद तक स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ की वजह से हमेशा परिस्थितियाँ ऐसी रहती थी जो कंट्रोल में नहीं आती थी। और मैं चलूँगा, बातचीत करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं। आइए चलते हैं, करते हैं उनसे बातचीत। हम रोड क्रॉस करके उधर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस से जवान जो हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं, और शायद रोड क्रॉस करते हुए ये हमारे साथ आएंगे भी। हम बातचीत करेंगे और हम बताएंगे ट्रैफिक का हाल, क्योंकि यहाँ पे भिवाड़ी की जो स्थिति जो पहले थी आज नहीं है। और उसका कारण सबसे बड़ी ये जो रेड लाइट या जो कहना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हुए रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक ये अपनी ड्यूटी बड़े ही संजीदगी से निभाते हैं, इनको कभी भी कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ही लाइट होगी ये अपनी ड्यूटी में, इनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। हम इनसे करेंगे बातचीत, थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ पे ये अपने आप को कितना रिलैक्स पाते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पे ये सिग्नल नहीं लगा था तब तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का ये भी सामना करते रहे हैं। और आपको बता दूं कि 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान जो है वो इस चीज़ के ऊपर लगातार अपनी कैंपेन जो है चला रहा है। उसके साथ साथ हमारा कैंपेन चल रहा है कि सीट बेल्ट लगाइए, कि जो आपको हमेशा सुरक्षित रखें, सतर्क रखें। और उसके लिए राजस्थान पुलिस का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि ये इतनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जैसे इनको टाइम मिलता है। सर, आपसे 24 टीवी नेटवर्क थोड़ी सी बातचीत करना चाह रहा था, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सर, आपका शुभ नाम? उदय सिंह नाम है। उदय सिंह जी, सर यहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं, आपको जब से ये सिग्नल लगा है तब से आप क्या महसूस करते हैं? आपको आराम मिला है या परेशानी होती है? रिलैक्स हुआ है। ड्यूटी तो हमें वही करनी पड़ती है, लेकिन उससे रिलैक्स हुआ है। पब्लिक से माथा फोड़ी कम करनी पड़ती है इसमें। पब्लिक से माथा फोड़ी कम करनी पड़ती है। उसके साथ साथ सर, हम लोग जैसा कि आपको बता दूं, 24 टीवी नेटवर्क का आज की डेट में जो कैंपेन चल रहा है, उसमें एक कैंपेन चल रहा है, हम हर बार ये बोलते हैं कि आप सीट बेल्ट लगाएं, आप सुरक्षित रहें, हेलमेट लगाएं, अच्छी क्वालिटी का लगाएं। सर, आप लोग इस बारे में जनता को कितना जागरूक करते हैं? हम जो भी अवहेलना करते हैं सीट बेल्ट की, उनका चालान के द्वारा, वैसे समझाइश के द्वारा भी की जाती है, लेकिन चालान के द्वारा भी उनको समझाया जाता है, ताकि वो इस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करें। और चालान एक अपनी जगह है, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को उस चीज़ के लिए अवेयर करना, क्योंकि कितने ही परिवार उजड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सीट बेल्ट ना लगाने के वजह से। सर, आप इस बात के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे 24 टीवी नेटवर्क से? हम तो ये कहते हैं कि सभी हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगाए, जिससे उनकी स्वयं की भी सुरक्षा है और दूसरे जो अगले वाला आदमी है उसकी भी सुरक्षा होती है, सर आप यहाँ पे मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं, और मैं कहूँगा कि राजस्थान पुलिस की भी बात करूँगा, यहाँ पे प्रशासन की बात करूँगा, इतनी मुस्तैदी से आप देख सकते हैं कि रेड लाइट या सिग्नल लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी ड्यूटी पे खड़े हुए हैं, सजग हैं, सतर्क हैं। और सबको ये अपनी, क्योंकि इनकी सीटी सुन करके ही हम सड़क पार करके वहाँ से यहाँ आए थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए एक बड़ा सल्यूट है 24 टीवी नेटवर्क की तरफ से कि आप इतनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सर, थैंक यू सर। कितना आराम है? सिर्फ इतना है, इस सिग्नल से कितना आराम? थोड़ा बहुत है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट है, ज़्यादा है, थोड़ा बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ अलवर बाईपास से चले हैं और एक ऑटो में बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो अलवर बाईपास की जो हम सिग्नल की बात कर रहे थे, ट्रैफिक सिग्नल की, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल से लोगों को बहुत आराम है। और यहाँ पे एक बहुत दिन से हम ऑटो में नहीं बैठे, तो हमने कहा आज ऑटो की सैर करते हुए ऑटो वाले भैया से पूछेंगे कि कितना आराम इनको है और कैसा ये महसूस कर रहे हैं कि जब से यहाँ पे भिवाड़ी का जो माहौल है उसमें अपने आप को कितना ये फिट या एडजस्ट पाते हैं कि हाँ, आज वास्तव में ये परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हो चुकी हैं। यहाँ पे भिवाड़ी की वो पुरानी वाली स्थिति नहीं रही कि जिस समय पर सिर्फ और सिर्फ परेशान रहना पड़ता था। भैया, थोड़ा सा ऑटो को साइड लगाएंगे क्या?
मैंने भैया से ऑटो को साइड लगाने के लिए कहा है और मैं करूंगा बातचीत भैया से। उनका नाम बताएंगे? पवन। ये पवन जी हमारे साथ हैं जो हमें सैर भी करा रहे हैं और साथ साथ भिवाड़ी का हाल भी बता रहे हैं। सर कितने समय से चला रहे हैं आप ऑटो? मेरे को तो सर हो गए 8 महीने हो गए। 8 महीने? और 8 महीने से, जब 8 महीने, क्योंकि 8 महीने मैं नहीं समझता इस सिग्नल को लगे हुए हैं, तो तब से क्या आपको सिग्नल लगने के बाद में से कैसा लग रहा है? पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था या अब? अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अब। क्या अच्छा लग रहा है सर? ये सिग्नल लग गया था ना, बढ़िया लग रहा है। पहले तो जाम बहुत लग रहा था, अब जाम वाली स्थिति नहीं रहती। अच्छा, और ये बताएं, जैसे पानी भरता है, जल भराव होता है, तो उस स्थिति में के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाले भर जाते हैं अपने देश में, भिवाड़ी में, ठीक है, रोड नहीं है इसमें, और अपने ये नाले में दिक्कत हो जाती है पानी से, पैर फट जाते हैं। ये कंपनी का पानी छोड़ देते हैं सर, कंपनी का पानी छोड़ देते हैं। और मैं यहाँ पे प्रशासन का भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि देखिए, कंपनी का पानी छोड़ दिया जाता है क्योंकि कल जो पानी की स्थिति थी शाम को, मैं मानता हूँ और मैंने खुद ये महसूस किया कि अगर उसमें थोड़ी देर भी पानी में आपका पैर रहे तो वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। और जैसा कि ऑटो को आप देख सकते हैं कि एक लेवल तक ही ये पानी को नीचे रखेगा, वरना तो इनके भैया के भी पैरों में पानी आ जाएगा और वो इनके लिए भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो मैं कहूँगा, प्रशासन को भी मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप इसके विषय में थोड़ा सा सोचें। और चूँकि हमारे मोदी जी ने साफ सफाई के बारे में इतना कुछ कर रखा है, रोज़ हर दिन गाड़ी आती है, हर दिन स्वच्छता अभियान के ऊपर बात होती है, आप भाई साहब स्वच्छता अभियान के बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या है? सही है, अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं भैया, और क्या है, अपने किराया पे ऑटो चलाते हैं हम, अपने बढ़िया है, 400-500 रुपये कमा लेते हैं, घर को भी दे देते हैं हम। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आप ये कहें कि जो सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है साफ सफाई की, इसको लेकर के जैसे सुबह के टाइम आ जाती है गाड़ी, उसमें गाना बजता होता है स्वच्छता अभियान का, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि इस वक्त गाड़ी आई है, हमें कूड़ा फेंकना है, या इन सब बारों में, मतलब सरकार की इन कोशिशों के बारे में आप क्या कहेंगे? बढ़िया है सर, ये कूड़ा वूड़ा भी लेने आ जाते हैं, ठीक है, और सरकार के लिए अच्छे हैं, सरकार बहुत बढ़िया है, मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर सवाल सिर्फ इस बात का है क्योंकि हम बात कर रहे हैं भिवाड़ी के बारे में, और भिवाड़ी की जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, सिग्नल की बात हमने बताई कि यहाँ पे सिग्नल की जो व्यवस्था है उसकी वजह से लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आपको बता दूं यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे फल वाले भैया बैठे हुए हैं, और इनसे भी करेंगे बातचीत, इनसे जानना चाहेंगे कि सर आप भिवाड़ी सिग्नल के बहुत करीब बैठे हैं, आप बताएं कि यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि ट्रैफिक में पहले इतनी भीड़ भाड़ रहती थी, यहाँ अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, क्या आपको कैसा लगता है ये सिग्नल लगने के बाद परिस्थितियां क्या हैं? बढ़िया लगता है सर, पहले से बहुत बदलाव है, बहुत अच्छा लगता है, अब इतना ट्रैफिक नहीं है, सिग्नल लगने से बहुत फ़ायदा है। सिग्नल लगने से बहुत फ़ायदा है, और इस सिग्नल से आपको लगता है कोई नुकसान भी हुआ? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको बीच में बता दूं कि यहाँ पे अब इनके कस्टमर आ गए हैं, तो कस्टमर के आगे तो बात करना मुश्किल होता है, और ये परिस्थिति हम समझ सकते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप 24 टीवी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और आप अपनी बात कह रहे हैं, और हम मैं आपको बता दें कि 100% हम आप सबकी बात को ज़रूर पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ 24 टीवी नेटवर्क पे। बहुत गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़े वाले हैं, हम तो रोड पे पड़े हैं, हमारा कोई घर मकान नहीं है, ठीक है सर, और ये सरकार से ये मांग कर रहे हैं कोई ज़मीन दिवा दो हमारे को। अभी कहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे बीड़े आंगन के सामने। वहाँ पे आप रेंट पे रहते हैं? हाँ, रोड पे रहते हैं। अच्छा, बहुत सारी यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं जो सरकार की चलती रहती हैं आवास को लेकर के, उस आवास के लिए आपने कोई प्रयास किया अपनी तरफ से? कुछ भी नहीं किया सर। क्यों, आपको ये तो बात पता है, तो एक अनपढ़ आदमी सर, हम अनपढ़ हैं हम। लेकिन
भाई मैं ये कहूँगा कि अनपढ़ों को भी आज की डेट में ज्ञान है कि लोग बता देते हैं एक दूसरे को। बहुत सारी ऐसे संस्थान खुले हुए हैं जहाँ आप जाके जानकारी ले सकते हैं। तो आप जी, मैं आपको जैसे एक बात बता देता हूँ, छोटी सी एक जानकारी देता हूँ कि आप खुद स्वयं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप वो पॉइंट जानते होंगे, उस जगह को जानते होंगे जहाँ पर जैसे कि लोग अपना पीएफ निकलवाने जाते हैं, लोग अपना आधार कार्ड को अपडेट कराने जाते हैं, लोग अच्छा आपको नहीं पता तो मैं आपको वो अलग से भी बता दूंगा, लेकिन मैं सरकार से भी ये कहूंगा कि हाँ हमारा प्रयास बिल्कुल होना चाहिए कि जैसे ऑटो वाले भैया जो हमें वहाँ से ले कर आए, कि इन जैसे लोगों के लिए हर व्यक्ति का, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, हो सकता है इन तक वो ना पहुंची हो सुविधा, लेकिन वो सुविधा पहुंचनी चाहिए। ये हम बिल्कुल इस बात के लिए, जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि वो प्रतिबद्ध हैं कि हर एक हिंदुस्तानी का अपना घर हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि आप उस तक नहीं पहुँच पाए हों, उसका रास्ता भी है और हमें जहाँ तक जानकारी हम आपको देंगे भी, लेकिन आप अपने प्रति भी इस बात के लिए करवा दो सर, बस हमारे को जमीन दिवा दो, हमारा घर मरवा बनवा दो, बस गरीब आदमी रोड पे पड़े हैं हम तो। बस बच्चे कितने आपके? बच्चे नहीं है, एक भी नहीं है। बच्चे नहीं है, तो सर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, और आप स्वयं अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि साक्षरता अभियान सबके लिए होता है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी चलता है, आप थोड़ा पढ़ें, क्योंकि आप देखें आज की समय पर ये भारतवर्ष वो पुराना वाला नहीं रहा, ठीक है, हर आदमी जागरूक है और हमें जागरूक होके ही रहना है। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी मेरे यहाँ पे दर्शक हैं आपसे कहूँगा, मेरे जो कैमरामैन है उनसे कहूँगा कि सबको दिखाएं कि हाँ सारे लोग, और थोड़ी सी बातचीत करूँगा इनसे। सर ट्रैफिक सिग्नल से आराम है या मुश्किलें? आराम। आपसे पूछता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल से आराम है या मुश्किलें? सही है। सही है सर, ट्रैफिक सिग्नल से बाबूजी आराम है या मुश्किलें हैं? ट्रैफिक से जी ऐसा ही है भाई, आराम। सिग्नल की बात पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आराम ही है। आराम है, यानी कि शासन और प्रशासन की जो तैयारियां हैं, बेसिक जो हमारी शुरुआत हो चुकी है स्वच्छ भिवाड़ी, स्वस्थ भिवाड़ी, उसके बारे में मैं आपसे कहूंगा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, और मैं अपने सारे दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूँ कि हम ये मुहिम हमारी जारी रहेगी स्वच्छ भारत, और उसमें अभी तक हम बात करते थे इंदौर की, लेकिन वो समय दूर नहीं है जिस वक्त भिवाड़ी नंबर वन बनेगा और भिवाड़ी को हम स्वच्छ मिशन में सबसे ऊपर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे दर्शक एक बार बढ़िया सी तालियां बजा दें कि हमारी भिवाड़ी नंबर वन बनेगी। भिवाड़ी नंबर वन बनेगी, भिवाड़ी नंबर वन बनेगी। थैंक यू वेरी मच। और आप सब देखते रहिए, अपने आप को सजग रखिए 24 टीवी नेटवर्क पे। मैं हूँ अपने कैमरामैन तालीम के साथ अनुराग, थैंक यू वेरी मच।